मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस प्रदेश परिवहन प्रकोष्ठ द्वारा जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जसवीर सिंह खनूशा को एक बार फिर जिला कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। अपनी पुनः नियुक्ति पर मधुभाषी से विशेष चर्चा में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष खनूशा ने नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। देखिए सीहोर से मृदुभाषी के लिए संजय धीमान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, जेपी धनोपिया जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी पांडे जी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने मेरे को वापस से इस पद के लायक समझा। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र सिंह जी पांडे, उन्होंने बहुत मेहनत से पूरे 52 जिले में वापिस से कार्यकारिणी घोषित करी है और सीहोर से उन्होंने 3 लोग अपनी प्रदेश कमेटी में लिए हैं, श्री राजेंद्र वर्मा जी, भैया मियाँ आस्था और शैलेंद्र जावर, 3 लोगों को यहाँ से लिया है। उन लोगों का प्रयास है कि मिलके इस परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चले, ताकि जो है परिवहन एक देश की रीढ़ की हड्डी है, यदि परिवहन सही चलेगा तो देश सही चलेगा। भाई साहब, देखने में आ रहा है कि परिवहन को या ट्रांसपोर्टरों पर महंगाई की मार पड़ रही है, डीजल पेट्रोल की मांग बहुत भाव बढ़ रहे हैं, तो इसको लेके आप कोई जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर कोई मुहिम चालू करेंगे क्या? अभी दीपावली का टाइम 17 रुपये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिला के 17 रुपये के लगभग डीजल के रेट कम करे थे। उस टाइम थोड़ा सा बाजार अच्छा हुआ था और महीने दो महीने गाड़ी वालों को एक ऑक्सीजन की राहत मिली थी, लेकिन आज फिर वापस से वही स्थिति है। बाजार में काम नहीं है और गाड़ी वाले दर दर भटक रहे हैं। आगे ऐसा कोई अभी महीने दो महीने उम्मीद नहीं लग रही कि बाजार वापस से जो है ना सुधरेंगे। इधर गाड़ी वालों को किस्तों की मार है, उधर पे टायर महंगे हैं, बीमा सुनने में आ रहा है कि बीमे के रेट वापस से गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है इस बजट में, और बाकी आप जो इसका क्या नाम है, हाँ ये जो 20 साल पुराने और जो 15 साल पुराने वाहन की जो मुहिम चल रही है, यदि ये लागू हो गई तो गाड़ी वाला बहुत से लोग, कम से कम 10 से 15 लाख लोग तो प्रदेश में बेरोजगार होंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है 15-1 दिन में, तो उस बजट से आपको उम्मीद है कि कुछ परिवहन को लेकर या ट्रांसपोर्टरों को लेकर कुछ राहत दी जाएगी, या क्या चाहते हैं आप? कुछ राहत मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए, इस बजट में राहत देना चाहिए। यदि ये राहत नहीं देंगे तो गाड़ी वाला बिल्कुल मरण अवस्था में। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।